हे गाइस, बिट्टू बाइट यार। आज का वीडियो थोड़ा सा अलग होने वाला है। आज मैं बात करने वाला हूँ सिद्धू मूसेवाला के बारे में, जो एक काफ़ी फेमस पंजाबी सिंगर है। बट इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, क्योंकि एक ऐसा सीक्रेट बताने वाला हूँ ना, मतलब आपने सोचा नहीं होगा, मतलब मेरे को खुद यकीन नहीं हुआ था अपनी आंखों को कि भाई ये मतलब जो सिद्धू मूसेवाला है ये वो सिंगर है। मैं बता दूं, अभी शायद कल के दिन इनको श्रद्धांजलि दी गई है, इनकी डेथ हो गई थी कुछ टाइम पहले। वैसे मेरे को इस बारे में ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं, आपको ऑलमोस्ट सभी बातें पता होंगी एंड ऐसा कुछ भी नया नहीं है जो मैं बता सकता हूँ, एंड ना ही इस बारे में ज्यादा बात करना चाहता हूँ, क्योंकि आपको पता है उनकी डेथ अभी रिसेंटली हुई है। बार बार इस टॉपिक के ऊपर बात करना थोड़ा सा सैड लग रहा है बार बार, इसलिए मैं इस बारे में बात नहीं करने वाला। एंड मेरे को ही पता है ये वीडियो में कितनी मेहनत का तो बता रहा हूँ। मैंने सोचा था कि मैं कल बना दूंगा, बट मैं जब बनाने का ट्राई किया तो फिर मेरे से बनी नहीं वीडियो, तो फिर मैंने छोड़ दिया। एंड आज मैं फिर से ट्राई कर रहा हूँ, आज अगर बनती है तो ये वीडियो डालूंगा, वरना नहीं डालूंगा, मेरे को अभी बिल्कुल भी नहीं पता है। एंड अब बात करते हैं सिद्धू मूसेवाला के बारे में। ये आपके शायद आप में से काफी बंदों के फेवरेट सिंगर भी रहे होंगे, आपने इनके बहुत सारे सॉन्ग सुने होंगे, मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। इनमें से इनके काफी फेवरेट सॉन्ग मतलब फेमस सॉन्ग में से है जो काफी ज्यादा वायरल हुए थे, जैसे साम बीफ हो गया, धक्का हो गया, एंड बम्बा भोले हो गया, एंड बहुत सारे ऐसे सॉन्ग्स हैं, लेजेंड हो गया, मतलब ओल्ड स्कूल, इतने सारे फेमस सॉन्ग जिनके मैंने आपको थंबनेल्स वगैरह दिखा रखे हैं। एंड हो सकता है आप में से काफी बंदे ने ये सॉन्ग सुने होंगे, एंड शायद बहुत ही कम ऐसे बंदे होंगे जिन्होंने ये सॉन्ग नहीं सुने होंगे। एंड आप लोगों को पता है सिद्धू मूसेवाला मतलब जो ये सिंगर है ये कौन सा लोगो वगैरह यूज करते थे अपनी वीडियो में, अक्सर आपने देखा होगा। अगर आप इनके बहुत अच्छे फैन हैं, उनके वीडियोस को गौर से देखते होंगे, सॉन्ग वगैरह को, तो आपने नोटिस किया होगा, मैं आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाता हूँ, ये वाला इन्होंने कई बार यूज किया है। चाहे इनका कोई भी वीडियो हो उसमें किसी ना किसी तरीके से इस फोटो या इस पोस्टर को यूज किया गया था, एंड उनको श्रद्धांजलि दी जा चुकी है। एंड काफी सारे सेलिब्रिटीज ने अपने इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पे काफी सारे पोस्ट डाले थे उनको श्रद्धांजलि देते हुए। बट अभी मैं बात करता हूँ जो सीक्रेट के बारे में आपको बता रहा था वीडियो के स्टार्टिंग में, उससे पहले देखो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड शेयर कर देना अगर मन हो तो कर देना, एंड कमेंट करके अपने फेवरेट सॉन्ग का नाम बताना जो आप सिद्धू मूसेवाला का अगर फैन हो तो आपको कौन सा उनका सॉन्ग पसंद है। ये बात है बहुत समय पुरानी, मैं अपनी स्क्रीनशॉट मतलब अपनी स्क्रीन पे एक स्क्रीनशॉट देख रहे होंगे, बहुत पुराना सॉन्ग है, मतलब ये मैंने बहुत पहले डाउनलोड किया था, शायद एक साल से भी ज्यादा हो गया। एंड अब मैं आपको बताता हूँ ये सॉन्ग मैं लिटरली बता रहा हूँ बिना वीडियो देखे डाउनलोड किया था, एंड ये सॉन्ग मेरे को एकदम रैंडम यूट्यूब पे मिला था। अपना मैं बैकग्राउंड में गेम वगैरह खेल रहा था, एंड मेरे को यूट्यूब पे जैसे कोई वीडियो प्ले कर देते तो अपने आप नेक्स्ट वीडियो प्ले हो जाती है, ऐसे ही प्ले हो गया था। एंड जब मैं गेम खेलते खेलते मेरा सॉन्ग बैकग्राउंड में प्ले हो गया, मेरे को लिटरली बिल्कुल नहीं पता था बैकग्राउंड में कौन सा सॉन्ग चल रहा है, मतलब किस बंदे का सॉन्ग चल रहा है। एंड मैं तब सिद्धू मूसेवाला को जानता तक भी नहीं था, एंड रिसेंटली मेरे को लिटरली बता रहा हूं अभी कुछ टाइम पहले तक मेरे को नहीं पता था सिद्धू मूसेवाला कौन, मतलब ऐसे पता था कि ये बहुत ही फेमस पंजाबी सिंगर है। बट अब मैं वो सीक्रेट बताने वाला हूं जिसको आप मतलब कहोगे बेटू भाई तुम पागल हो क्या। अब मैं बता रहा था जैसे कि मेरा बैकग्राउंड में एक सॉन्ग प्ले हुआ था, आज से करीब एक साल से भी काफी पुराना टाइम हो गया, तो वो सॉन्ग मेरे को इतना पसंद आया था मैं सीधा यूट्यूब पे गया, मैंने उसका लिंक कॉपी किया एंड सीधा जाकर डाउनलोड कर लिया। ये आज से बहुत पुरानी बात है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो, फरवरी की बात है 2021 की, एंड ये सॉन्ग शायद एक साल से भी पहले मैंने डाउनलोड किया था। एंड बताया तो ये सॉन्ग मैंने बिना वीडियो देखे डाउनलोड किया था, इसका मैं मतलब सॉन्ग अपना मैं डेली मतलब कई बार ये सॉन्ग मैंने इतना ज्यादा सुना है ना, मतलब ऐसा सीन होता था मैं अपना गेम खेल रहा हूँ एंड ये सॉन्ग मैं अक्सर प्ले करता था, एंड ये सॉन्ग मेरे को इतना ज्यादा पसंद आ गया था मैं इसको अक्सर सुनता रहता था। एंड इसमें सबसे कमाल की बात यह है, अभी मतलब ट्विस्ट आना तो बाकी है, ये जो सॉन्ग है ना, आप सोचोगे बेटो आप ये सॉन्ग इतना ज्यादा सुनते थे मतलब इतना ज्यादा पसंद था तो आपको ये सिंगर भी पसंद हो। हाँ तो मेरे को बता देते, ये मेरे को पंजाबी सिंगर थे जो को बहुत पसंद थे इस सॉन्ग में, मेरे को ये बताता है कि ये जो सॉन्ग है ना पंजाबी है, एंड इनमें काफी बातें तो मेरे को समझ नहीं आती थी क्योंकि मेरे को पंजाबी बिल्कुल अंडरस्टैंड नहीं करती है, एंड कुछ जो सिंपल से वर्ड्स रहते जो हिंदी में भी समझ में आ जाते हैं, मिक्स रहते हैं ना, वैसे मेरे को वर्ड समझ में आते थे, बट ये सॉन्ग सुनने में बहुत अच्छा लगता था। एंड अब बात ये जो सीक्रेट की बात कर रहा था, मेरे को लिटरली नहीं पता था कि ये सॉन्ग में काफी बार सिद्धू का नाम भी लिया गया है, मतलब ये फेमस जो सिंगर है, एंड ये सॉन्ग मैं इतना ज्यादा सुनता था, इतना ज्यादा पसंद था ना, लेकिन लिटरली मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता था ये सॉन्ग सिद्धू मूसेवाला ने गाया। अब आप सोचोगे बेटू भाई तुम पागल हो क्या, मतलब इतने टाइम से तुम ये सॉन्ग सुनने जा रहे हो एक साल से भी ज्यादा एंड तुमको सिंगर का नाम भी नहीं पता, तो गाइस ये बात सच है। एंड ये बात सुनकर मेरे को भी बहुत दुख हुआ भाई कि तुम्हारा भाई को इतना ज्यादा सॉन्ग पसंद आ गया था कि मैंने अभी तक ध्यान नहीं दिया ये सॉन्ग किसने गाया है। एंड ये मेरे फेवरेट लिस्ट में से एक हो गया था कि जब मैं यूट्यूब पे मैं चलाता था तो जैसे मेरा मतलब जो डाउनलोड सॉफ्टवेयर रहते हैं ना जो सॉन्ग प्ले करते हैं पीसी के अंदर, उनमें मेरा ये ऐड रहता था हमेशा, तो मैं जब भी सॉन्ग प्ले करता था ये मेरा फर्स्ट या ये शायद मेरे सेकंड नंबर पे था, पहले मैं कोई दूसरा सॉन्ग था वो सुनता था, एंड फिर इसको तो मतलब कंपलसरी था कि ये सॉन्ग तो मेरे को सुनना ही सुनना है। एंड उसके बाद एक दो सॉन्ग तो और मैं सुनता था, बाकी फिर मैं बंद कर देता था, ज्यादा सॉन्ग्स नहीं सुनता था, बट ये सॉन्ग मैं अक्सर सुनता था गेम प्ले खेलते खेलते, क्योंकि जब मैं गेम खेलता था एंड जब ये सॉन्ग सुनता था तो एक अलग ही गूज़बम्स आते थे, मतलब खेलने में इतना ज्यादा एक्टिवनेस मीन मतलब एक्टिव फील होता था। हाँ भाई यही वो सीक्रेट था तुम्हारा भाई बता रहा था। बट अब कमेंट करके आप ये बताओ आप में से मतलब सिद्धू मूसेवाला के लोग कितने जानते थे अभी बहुत पहले से, मतलब कितने बंदे जानते थे। एंड हाँ एक लाइक जरूर कर देना, देखो एक लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना एंड शेयर करना मत भूलना।
बट अगर ये सब करते हो तो ठीक है, नहीं करना तो कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आप में से कितने लोग सिद्धू मूसेवाला को जानते थे, एंड आपका मतलब फेवरेट सॉन्ग कौन सा, मतलब जो सिद्धू मूसेवाला ने सिंग किया है ना इतने सारे सॉन्ग में से, उनमें से आपका सबसे फेवरेट वाला कौन सा है। एंड मैं बात करूँ तो मेरे को तो सबसे ज़्यादा पसंद ये वाला था, हाई वाला। एंड इसके बाद मैं ओल्ड स्कूल को सुना करता था। ओल्ड स्कूल तो मैं रिसेंटली कुछ टाइम पहले से सुन रहा हूँ, लाइक एक या दो मंथ हुआ होगा तब से मैं सुनते आ रहा हूँ। बट भाई लिटरली बता रहा हूँ, एक सॉन्ग और है सिद्धू मूसेवाला का जो मेरे को बहुत पसंद था, गोट नाम से। वो सॉन्ग जो गोट नाम से है ना, वो लाइक अलग ही लेवल पर है। खैर अभी बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर देना ठीक है, एंड कमेंट करके ज़रूर बताना। टाटा बाय, टेक केयर।